नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों के शरीर पर, स्पेशली पैरों की त्वचा पर, नीली नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, इन उभरी हुई नीली नसों को ही वेरिकोस वेन कहते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या पैरों को लटका कर रखते हैं तो पैरों की नसें फूल जाती हैं। हमारे पैरों की जो त्वचा होती है उसमें ये नसें बहुत सुपरफिशियल होती हैं या बाहर की तरफ होती हैं, इसलिए जब ये फूल जाती हैं तो इन्हें आसानी से हमारे पैरों में देखा जा सकता है और इन्हें ही वेरिकोस वेन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिकोस वेन क्या होता है, ये किन कारणों से हमें हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेन्स या नीली नसें हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ले जाती हैं, और जब हमारे शरीर के किसी हिस्से की नीली नसें फूल जाती हैं तो उन्हें वेरिकोस वेन कहा जाता है। यह वेन्स रेड और ब्लू कलर की दिखती हैं और किसी किसी में यह वेन्स स्पाइडर वेब की तरह दिखती हैं, मींस वो मकड़ी के जाले की तरह दिखने लगती हैं। अब हम यहाँ पर इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब नसें इतनी फूली हुई नहीं होती हैं तो पेशेंट को कोई खास तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बढ़ती जाती हैं, पेशेंट को पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है और धीरे धीरे प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। इसके कुछ और भी सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे कि वेन्स का कलर ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है, उसके आसपास की स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है और वहाँ पेशेंट को खुजली होने लगती है। पैर लटकाकर बैठने से या फिर खड़े होने से पेशेंट को तकलीफ होती है, उसको उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, वहाँ की मसल्स में उसको क्रैम्प आ सकते हैं, उस एरिया में उसको सूजन हो सकती है और वहाँ पर उसको जलन भी महसूस हो सकती है। और दोस्तों, कभी कभी ये देखा गया है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो वेन होती है वो फट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, ये भी एक सिम्टम देखा गया है। अब हम यहाँ पर इसके कारणों की बात करें तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स कॉज नहीं है। जब पेशेंट बहुत लंबे समय तक पैरों को लटका कर रखता है या बहुत लंबे समय तक खड़ा रहता है तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ पर वेरिकोस वेन हो जाता है। इसका दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि किसी किसी पेशेंट के जो वॉल होते हैं, वेन्स के जो वॉल होते हैं, वो डैमेज होते हैं या वीक होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन डैमेज वॉल के कारण जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उससे ब्लड नीचे तो आ जाता है पैरों में, लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ पाता। इसके कारण नीचे ब्लड कलेक्ट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, इससे वेन फूल जाती हैं और इसे हम वेरिकोस वेन कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे दोस्तों यह है कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रहने पर ये तकलीफ होती है तो आपको वो अवॉइड करना है। नंबर टू, पेशेंट को बहुत टाइट लेगिंग्स या टाइट जीन्स या पैरों के हिस्से में बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और नंबर तीन, अपना वजन भी नहीं बढ़ने देना चाहिए। पैर ऊपर करने की एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक एक ही पोजीशन पे खड़े नहीं रहना चाहिए। जब भी मौका मिले पैरों को ऊपर करके बैठना चाहिए। और दोस्तों, आप जिस बेड पर सोते हैं उसको पैरों की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा कर लेना चाहिए या पैरों के नीचे तकिया लगा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि रात भर में ब्लड का फ्लो रिवर्स होगा और उससे पेशेंट की नसें फूलेंगी नहीं, उनमें आराम आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप इस तरह के प्रिकॉशंस रखते हैं तो वेरिकोस वेन से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट के पैरों की नसें नीली पड़ जाती हैं, उनमें पेन होने लगता है। स्पेशली पेशेंट को यह तकलीफ किसी ट्रामा, मतलब किसी चोट के कारण, किसी सर्जरी के कारण या ओवर एग्जर्शन के कारण उसको यदि नसें फूल गई हैं तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है, यदि पेशेंट अपना हेड लो रखता है और पैरों को ऊपर रखता है तो पेशेंट को आराम आता है। इस मेडिसिन को आप 200 की पावर में दिन में दो बार 15 दिन तक ले सकते हैं, फिर उसके बाद 5-7 दिन का गैप करके फिर 15-20 दिन तक ले सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिन का पावर और उसके डोजेस पेशेंट की सीरियसनेस पे, उसकी एज पे, उसके जेंडर पे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं।
इसमें नंबर टू पर मेडिसिन है कैल्केरिया का। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसने पैरों में बहुत टाइट सॉक्स पहन रखे हैं और लगता है उसको कि उसकी मसल फट जाएगी और उसको पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो यदि इस तरह की तकलीफ आ रही है तो कैल्केरिया का वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा काम करेगी। इस कड़ी में तीसरी मेडिसिन है हेमामेलिस वर्जिनी का। दोस्तों यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को वेरिकोज वेन के दौरान पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। इसमें पेशेंट को पैरों की तरफ ब्लड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे नसें फूल जाती हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट वहाँ पर किसी को टच भी नहीं करवाना चाहता है। यदि इस तरह की तकलीफ आ रही है तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटला। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को पैरों के साथ साथ हाथों में भी वेरिकोज वेन हो जाता है, वहाँ की नसें फूलने लगती हैं, वहाँ बहुत ठंडापन महसूस होता है, उसके हाथ बहुत ठंडे महसूस होते हैं और हाथ और पैरों में यदि खिंचाव होता है और पेशेंट को वीकनेस लगती है, पैरों में दर्द रहता है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। वेरिकोज वेन पर बनाया हुआ यह वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।